विषमता में स्थिरता। दक्षिण गुजरात के सुदूर कोने में बसा सांकरी गांव, दिनांक 15 जनवरी 1996 को यहां परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज नूतन शिखरबद्ध मंदिर की खात विधि करने के लिए पधारे। विधि के लिए बनाए गए गर्त में नीचे उतरकर उन्होंने वेदोक्त मंत्रोच्चार से विधि संपन्न की। उसके बाद स्वामी श्री सभा में पधारे। तभी अचानक मौसम ने करवट बदली। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक के साथ बारिश का आगमन हुआ। उस समय सभा में विराजित भक्त वृंद बारिश एवं स्वामी श्री की अमृत वाणी दोनों से भीग रहा था। मंच पर बनी शामियाने की छत के पास भक्तों का जमघट होने लगा। उस कपड़े की छत में से स्वामी श्री पर भी पानी टपकने लगा। तुरंत ही संतों एवं भक्तों ने गन्ने के तनों के सहारे तिरपाल का छत्र स्वामी श्री पर धर दिया। इस विषमता, शोरगुल और कठिनाई के बीच भी स्वामी श्री बिना विचलित हुए भक्तों को कथामृत का आचमन करा रहे थे। दरअसल स्वामी श्री को आज विशेष आनंद था। आदिवासी क्षेत्र में सदाचार एवं संस्कृति के पोषण हेतु मंदिर का सर्जन जो हो रहा था, किंतु परिस्थिति की तीव्रता को भांप कर स्वामी श्री ने शीघ्र ही आशीर्वचन समाप्त कर कार्यकर्ताओं को हरिभक्तों की व्यवस्था करने की सूचनाएं दी। वातावरण की विषमता और देह की अनियमितता में भी स्वामी श्री की स्थिरता और भक्त वत्सलता निखर उठी थी। ऐसे स्थित प्रज्ञ संत को कोटि कोटि वंदन। प्रमुख स्वामी सुखकारी जय हो, संत परम हितकारी जय हो।